जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट वकार अंसारी। तो दोस्तों ये साथ में माजी साहब का छठा कबूतर बैठते हुए माशाल्लाह। उस आदमी माजे साहब का छठा कबूतर ऊंचा बड़ा नजर आ रहा है, ऊंचा बड़ा ओ पासे उधर पास हमने मात्र का उधर पासे हो या वे या वे या वे तेरी फैर ओ पासे डाल लग गई पीछे देखी उधर अच्छा साजी जाना हाँ बैठ गया फोन कहा बड़ी साजी डांड उतर गई जरा पासा डिग गया एजा हुन का बने इंतहाई दुख, सारा दिन की मेहनत कबूतर की जाया। ये 6:18 पर बिल्कुल छत के साथ था। बहुत दुख से बताना पड़ रहा है दोस्तों आपको कि साधवी माजी साहब का छठा कबूतर 6:18 पर घर से कुछ ही फासले पर एक दरख्त पर बैठ गया। साजी एडी हिम्मत करके उठो चढ़े उधर चले चल
ਕਿੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਈ ਚੜਿਆ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਓ ਹੋ ਹੋ ਆਏ ਚਲੋ चलो धीरे धीरे चलो खलील भाई अब क्या होगा जनाब, इसका टाइम कट गया, इसकी सारे दिन की मेहनत जाया होगी बेचारे की, और क्या होना जनाब, कुछ नहीं हो सकता। खलील अहमद भाई हमसे पूछ रहे हैं जी, अब क्या होगा मौसम जी। बोला भाई आज पूरा टेम्परेचर था, जैसे जेड़ का टेम्परेचर आज होता है, आज कसूर में पूरा टेम्परेचर था बिल्कुल। हरुण भाई सो सैड, बेजुबान छोटे छोटी जान परिंदा बेचारा, उसकी सारे दिन की मेहनत ज़ाया होगी। 6:18 पे ये कबूतर घर से कुछ ही फासले पे एक दरख्त में बैठ गया। पता नहीं घर वहाँ पे छत पे लोग ज़्यादा थे या क्या वजह बनी, अल्लाह ताला बेहतर जाने। जी माजिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इट्स पार्ट ऑफ गेम, ये गेम का हिस्सा है, गेम में ऐसा भी हो जाता है जैसे अल्लाह ताला को मंजूर। नीचे बहुत से दोस्त कबूतर को उतारने की कोशिश देखें जी, बहुत से लड़के देखें क्या क्या कर रहे हैं जी। मुबशर भाई यकीन करें बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बेजुबान परिंदे की पूरे दिन की मेहनत थी, एक छोटी सी कुताही की वजह से कबूतर। ये देखें नीचे कुछ दोस्त, ये बिल्कुल अशोक भाई, जब मौसम गर्म होता है दाना पानी भी गर्म, साझा गर्म अपने मेहनत या अपना दाना पानी जैसे भी चलाते हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। बट इससे बड़ा दुख कई कबूतरबाज के लिए कुछ नहीं होगा कि 6:18 पर घर बैठता बैठता कबूतर साथ ही एक दरख्त में बैठ जाए, तो ये इससे बड़ा दुख कबूतरबाज के लिए कोई नहीं होगा। हाँ मुशर भाई छत तो शायकीन से भरी पड़ी है, लेकिन साथ वाली छत जिस छत पर कबूतर बैठते हैं उस छत पर मैं भी नहीं है, यहाँ से तो हमारी छत से तो नहीं नज़र आ रहे थे जी। जबरान खान भाई वेलकम सर आपका, वालेकुम सलाम वसीम अकरम। तो दोस्तों एक बार फिर आपको बताता जो इंतहाई अफसोस से बताना पड़ रहा है कि साथ में माजिद साहब का कबूतर 6:18 पर घर बैठते बैठते यहाँ पर आके बैठ गया, इंतहाई अफसोस से बताना पड़ता है। किधर कबूतर मेरे ख्याल से दरख्त से उतर के नीचे वाले किसी हिस्से में बैठ गया। अरे ये लड़का एक चढ़ा वहाँ पर कबूतर, अब दरअसल मैं कमेंट्स पढ़ने में बिजी हो गया था तो मेरी नज़र हट गई कबूतर से। ये एक दोस्त चढ़ रहा ऊपर, पता नहीं ये किसका बंदा है, सामाजिक का है या पता नहीं कोई बाहर से।
जी अशोक सर बिल्कुल, इट्स वेरी वेरी सैड बट इट्स पार्ट ऑफ गेम जी, ये गेम का हिस्सा दोस्तों, तो ये तो हमें तस्लीम करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा। ये अभी आपने देखी लोकेशन जहाँ पे कबूतर बैठा है, और अभी आपको सामने मजे साहब के कबूतर ये साहब साहब की छत है। ये छाता जी जहाँ पे आज कबूतर 6:18 पर घर बैठता बिल्कुल करीब ही एक दरख्त में बैठ गया, लेकिन बहरहाल आज की जो परफॉर्मेंस सानिया माजे साहब की इंतहा की अच्छी परफॉर्मेंस रही है माशाल्लाह जी। जी अब्दुल्ला साहब बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि छत पर कुछ लोग जी शेख मिठू के खुरम भाई साथ कबूतर पूरे हो गए हैं, उनका सातवां कबूतर कट गया है, पूरे 5 बजे उनका छठा कबूतर बैठा। तो दोस्तों उस्ताद में माजे साहब का छठा कबूतर 6:18 पर घर से कुछ ही दूर दरख्त में बैठ गया। कुर्बान मेरे काफी जी, इटली से हमारे दोस्त जबरान, अब तक की अपडेट आपके साथ अभी शेयर करता हूँ मैं, जो मैंने लिखा हुआ मैं चलो मैं बताता हूँ अभी शेयर करता हूँ आप सब दोस्तों के साथ। नहीं जी दोस्तों की कहते साडा नहीं सही हूँ तेन बड़ा नहीं सारम को तो दोस्तों अब तक की जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ 157 लोग हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आप सब दोस्तों के प्यार का आपके मोहब्बत का। तो जी आपसे अपडेट शेयर करने लगा हूँ, सबसे पहले जो छत उस्ताद शेख मिठू साहब जो कि उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी के रिंग लीडर हैं कसूर सिटी में, और
जो कि इनको ये एक मेरी मैं एक एजाज देता हूँ कि ये माशाल्लाह ऐसी छत है जो हर साल शो करती है। कबूतर नए हों, पुराने हों, अच्छे हों, जैसे भी हों, उन्होंने शौक हर साल करना माशाल्लाह जी। शायकीन को हर साल शौक दिखाते हैं और यही शर्फ इसी तरह लाला जी की छत को है कि जैसा भी जैसे भी कबूतर हों, जैसा भी हों, जो भी हालात हों, शौक हर साल करना है इन्होंने माशाल्लाह जी। सिर्फ कसूर की दो वाहिद ऐसी छतें हैं जो शायकीन के लिए हर साल शौक लेके आते हैं जी। साहब में फैसल एडवोकेट साहब, मैं अभी सबके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो अब तक मेरे पास अपडेट हासिल हुई है मुझे वो मुकम्मल शेयर करते हूँ, करने लगा हूँ। अब तक जी सबसे जो हाई परवाज में जो बैठा कबूतर है वो साद फयाज और फरंगा साहब का बैठा हुआ है, जो 5:49 पर छठा कबूतर उनका बैठा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपडेट दूंगा जी उस्ताद शेख मिठू साहब की। पहला कबूतर 1:31 पर, दूसरा कबूतर 1:48 पर, तीसरा कबूतर 2:50 पर, दूसरा कबूतर 1:48, तीसरा 2:50, चौथा कबूतर 2:58 पर, तीसरा कबूतर 2:46 पर, छठा कबूतर पूरे 5 और सातवां कबूतर भी 5:05 बैठा था लेकिन वो कट गया और जैसे भी नीचे आया जो भी वो मुनसफ और साहब साहब जाने। ठीक है, और उसके बाद आपको सर पोस्ट करूँगा जो उसके साथ ही छत है उस्ताद वकार खान साहब की। उस्ताद वकार खान साहब जो कि शागिर्द हैं उस्तामी इफ्तार साहब के, उस्तामी इफ्तार साहब फ्रॉम लल्यानी जो कि छोटे भैया उस्तामी नज़ीर साहब के। दोस्तों उनका पहला कबूतर बैठा जी माशाल्लाह 12:35 पर, दूसरा कबूतर बैठा 1:09 पर, तीसरा कबूतर 3:15 पर, चौथा कबूतर 3:15 पर सेम कठे बैठे दोनों, और पांचवा कबूतर 3:40 पर, 3:40 पर, छठा कबूतर 4:20 पर। ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर अपडेट कर रहा हूँ आप दोस्तों को वकार खान साहब की। और सातवां कबूतर पूरे 5:11, ठीक है, उस्ताद वकार खान साहब। उसके बाद आ जाएं जी उस्ताद फयाज उर्फ रंगा साहब। उस्ताद फयाज उर्फ रंगा साहब माशाल्लाह जी इनका कबूतर बैठा है पहला 12:30 पर, दूसरा कबूतर जी इनका दोस्तों बैठा है 12:39 पर, तीसरा 12:40 पर, चौथा 12:51 पर, पाँचवा 3:58 पर, और छठा जो कि आज के कसूर की मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हाइस्ट परवाज है 5:49 पर। आ गया जी उस्ताद मियाँ माजे साहब की छत की तरफ। उस्ताद मियाँ माजे साहब की छत पहला कबूतर 10:19, दूसरा कबूतर 1:26, तीसरा कबूतर 3:18, चौथा कबूतर 3:29, पांचवा कबूतर 5:11 पर। माशाल्लाह एक बार आपको फिर बता दूं ये 5:11 पर इनका वो कबूतर बैठा है जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लगड़ ने तकरीबन 20-25 मरतबा इनके ऊपर हमला किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी जान बचा के बहुत ही हिम्मत का मुजाहरा करते हुए घर सही सलामत बैठा है। और ये छठा कबूतर एक जो आपने अभी देखा जो दरख्त पर बैठा था इसकी तस्दीक नहीं हुई अभी तक कि ये वाकई उस्तामी माजे साहब का है भी था या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल आया इसी तरह हमें ऐसे लग रहा था जैसे उस्तामी माजे साहब का, बाकी ये उस्तामी माजे साहब बेहतर बता सकते कि उनका था या नहीं। उसके बाद जो अपडेट शेयर करूँगा वो जी आपके साथ उस्ताद फैसल जैगम साहब जो कि रंगपुर गाँव से हैं। उस्ताद फैसल रंगपुर पहला कबूतर सुबह बैठ गया था, दूसरा कबूतर 11:03 पर, तीसरा कबूतर 11:59, चौथा कबूतर 1:24 पर, और छठा कबूतर 2:44, सातवां कबूतर 3:17। और जहीर जारा साहब का जहीर उस्ताद जहीर उर्फ जारा साहब 2:29 पर सात कबूतर मुकम्मल हो गए थे इनके। उस्ताद हीरास सातवां कबूतर 1:38 पर। तो दोस्तों अब तक के लिए मेरे पास यही अपडेट थी आप सब दोस्तों के लिए, तो इंशाल्लाह जैसे कोई न्यू अपडेट आती है तो फिर आप सब दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। तो आप सब दोस्तों से अपील है कि जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप मेरी वीडियोस को व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, इसी तरह सपोर्ट करते रहें, आपका प्यार इसी तरह बना रहे हमारे साथ। तो दोस्तों मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपको एक ही वक्त में दो छतों का शो करवा रहे हैं उस्ताद मियां माजे साहब और उस्ताद लाला यूसुफ साहब की छत से। तो दोस्तों आप सब इसी तरह सपोर्ट भी करते रहें, दुआ भी करते रहें हमारे मैगज़ीन को। और माशाल्लाह आज कामरान भाई उस्ताद मिठू लाली साहब की छत पर मौजूद हैं, वहाँ से लाइव कवरेज दे रहे हैं वो भी। तो इसी
ये मुकम्मल अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, जो अब तक की मेरे पास सिख सूर की जो मेन छतें बड़ी छतें हैं उनकी अपडेट जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगा इजाज़त, आपका दोस्त आपका होस्ट वकार अंसारी, अल्लाह हाफिज़।